नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में आज कांग्रेस के जनहितैषी मुद्दों को लेकर के लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया और उसके बाद जिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। धरने की अगुवाई फतेहाबाद के पूर्व CPS प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने की। वहीं इस प्रदर्शन में टोहाना के पूर्व विधायक परमजीत सिंह और रतिया के पूर्व विधायक जनैल सिंह ने भी शामिल हुए। कांग्रेसियों ने लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस द्वारा जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने कहा कि आज आम जनमानस का जीना दुभर हो गया है। मंदी की मार के चलते देश की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ रही है। वहीं किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो समर्थन मूल्य किसानों को देने का दावा किया था वह किसान को नहीं मिल रहा। किसान का फार्म जो समर्थन मूल्य के हिसाब से भरवाया जाता है लेकिन उसे फसल के दाम नहीं दिए जाते, ये कोई साधारण बात नहीं बल्कि एक बड़ा घोटाला है। वहीं प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने कहा कि अब किसानों पर सरकार पराली के नाम पर केस भी दर्ज कर रही है और विपक्ष होने के नाते वह सरकार से मांग करती है कि किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएँ। प्रहलाद सिंह ने कहा कि सरकार पराली का खुद उचित प्रबंधन करे, न कि किसानों पर केस दर्ज करे। उन्होंने कहा कि विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर के बीजेपी को जगाने का काम आज प्रदर्शन के माध्यम से कर रही है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष। ये जो हमारे देश लेवल के उपराज का ये प्रदर्शन था, सारे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है 5 नवम्बर से लेके और 14 नवम्बर तक हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर, हर सारे देश के अंदर अलग अलग तारीखों के ऊपर ये धरना प्रदर्शन। इसका जो हमारा देश का संबंध था वहाँ पर तो मुख्य मुद्दा है आज बेरोजगारी और आर्थिक मंदी, क्योंकि आज बेरोजगारी और आर्थिक मंदी की वजह से सारे देश का नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, छोटा व्यापारी तबाह होने जा रहा है। हमारा मेन मुद्दा किसान के प्रति था। सरकार ने जितनी जिनस है हर एक के ऊपर MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर रखी है, लेकिन आपने देखा कि एक भी जिनस ऐसी नहीं है देश के अंदर, सारे देश में, जो कि MSP का रेट भी किसान को मिल रहा हो। ये हमारा मेन मुद्दा था जो कि हमारा सारे देश का था। बाकी हमारे जो लोकल इश्यूज थे, इसका एक ज्ञापन हमने गवर्नर के नाम डी साहब को दिया है कि आज हमारे जैसे मंडी के अंदर मैंने कहा धान की फसल है मौके के ऊपर, धान और नरमा दो फसल आ रही है। MSP की मैं बात कर रहा था तो धान की MSP 1835 रुपये है, लेकिन आज नमी का बहाना लगा के या 6 से 8 दिन 15 दिन से खरीद बंद है सरकारी, किसान मंडी में रुल रहा है, उसकी मजबूरी का फायदा उठा के आज 1650 या 1700 रुपये से फालतू किसान को रेट नहीं मिलता, जबकि उसका जे फार्म है वो 1835 के नाम पे उनको कटवाना पड़ता है। बहुत बड़ा एक ये फ्रॉड है, बहुत बड़ा है। अगर इसकी इंक्वायरी की जाए तो ये इतना बड़ा स्कीम निकले रहने के अंदर जिसको आप हैरान रह जाओगे अगर सारी फिगर आप लोगे, कि पराली आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। हम बार बार सरकार को कहते हैं कि पराली के नाम पर किसान को विलन मत बढ़ाओ। किसान मजदूर है, किसान आपका साथी है, किसान सहयोगी है, किसान देश का पेट पालता है। इसलिए सिर्फ पराली जलाना प्रदूषण का कारण नहीं, इसके बहुत कारण है, वो सारे अपने को ढूंढने पड़ेंगे। उसमें इंडस्ट्री है, उसमें आपके व्हीकल्स हैं, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के बाहर, दिल्ली आज सबसे बड़ी समस्या है। अगर दिल्ली के चारों तरफ आप जाओ तो जो कूड़ा करके ढेर हैं वो पहाड़ बने हुए हैं और उसमें 24 घंटे, अब जाके आप देख लो, अब भी वहाँ पर धुआं निकलता नजर आएगा। जो दिल्ली के चारों तरफ भट्टे हैं उनकी चिमनियों में जाके देखो किस तरीके का धुआं निकल रहा है। तो इसलिए कुछ इसमें कुदरत का भी रोल होता है। तो सारी चीज़ सिर्फ किसान के ऊपर देख के और सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती। हम सरकार को कहते हैं कि पराली का समाधान करने के लिए आप लोगों के सामने एक विकल्प है कि आप गौओं की बहुत सेवा करते हो, गौभक्त सरकार है हमारे केंद्र में भी, हमारे हरियाणा में भी, ये सबसे बड़ा अच्छा है। गाय के लिए पराली से अच्छा कोई फोर्डर नहीं हो सकता। आज सरकार किसान की सारी पराली इकट्ठी करके गौशालाओं को दे सकती है और हमने तो यहाँ तक कहा है कि किसान को आप विलन मत बनाओ, किसान को दोषी मत बनाओ। अगर सरकार चाहे तो किसान तो 500 रुपये एकड़ का अपने पल्ले से दे देगा, पल्ले से देने के लिए तैयार है, और किसान का खेत सिर्फ खाली करके कनक भिजवा दें, हमारी ये मांग है, ये मुद्दा जा रहे हैं। विपक्ष मांग करता है वापस ले जाएंगे। हमने कहा भाई किसान के ऊपर, गरीब किसान के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए हैं और जो इनके आज FIR लॉज हो रही है, जुर्माने लगाए जा रहे हैं, ये वापस करके इसकी मजबूरी को समझो, किसान की तड़फ को और किसान के दर्द को समझो, और किसान को फाइनेंशियली मदद नाम भी करो तो
तो इसे फाइनेंशियली मदद करके लेके और इसके खेतों में कनक भिजवा दो। किसान का सिर्फ ये कहना है और किसान का कोई कहना नहीं है। धन्यवाद। वो आए और दो मिनट में वो भी अपने ख्याल रखे सुरेश चौहान ने। सारे देश के अंदर हमने ये राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन किया है। एक हमारा ज्ञापन गवर्नर के नाम जो है आज चाहे आपके देश का मसला है।